वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 90 डेज स्ट्रेटेजी के डे 29 का डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में दोस्तों हम लोग ब्लड रिलेशन के डे 3 को देखेंगे। यहाँ पर कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा जो सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वन डे एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट तैयारी के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते और जो भी कोर्स आपको परचेस करना है वहाँ पर आप कूपन कोड लगाते हैं ज्ञान सर, GAYNSIR, सब स्मॉल में होगा, कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये जो डिस्काउंट वाली बात है दोस्तों, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप जल्दी से इंस्टॉल कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन और जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप टीम के पेड कोर्सेज से तुरंत जुड़िए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। यहाँ पर दिया ये क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, आप इंग्लिश से भी पढ़ सकते हैं और ये हिंदी वर्जन है, आप हिंदी से भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो आप उस लैंग्वेज के साथ जा सकते हैं। देखिए, ऋषभ इज नमिता'स ओनली ब्रदर, मतलब देखिए इसका मतलब हो जाएगा कि ऋषभ जो है नमिता का एकमात्र भाई है। ठीक, मैं हिंदी से पढ़ रहा हूँ, आप अंग्रेजी से भी देख सकते हैं। देखिए, ऋषभ यहाँ पर है, भाई है, किसका भाई है, नमिता का भाई है। ठीक, नमिता का भाई, अभी नमिता का जेंडर हमको नहीं पता है। ऋषभ की पत्नी मृदु का एक भाई सोनू, देखिए ऋषभ है, ऋषभ की पत्नी होगी तो पत्नी के लिए डबल लाइन बनाएंगे, पत्नी सर्कल में रखी जाएगी। ठीक है, इसका नाम है मृदु, है ना, मृदु का एक भाई है, कौन है ये भाई है, सोनू, है ना, हमने इतना ड्रॉ कर लिया। आगे बोला गया इलियाना नमिता की एकमात्र भतीजी, देखिए ये नमिता है, नमिता का जेंडर नहीं पता, छोड़ दीजिए, इलियाना, है ना, इलियाना भतीजी है, भतीजी मतलब फीमेल हो जाएगी। सोनू इलियाना से किस प्रकार संबंधित है, देखिए ये इसकी मम्मी है, है ना, और मम्मी का भाई, तो मम्मी का भाई ये मैंने इसको फीमेल बना दिया, मेल होगा। ठीक, मम्मी का भाई, तो मम्मी का भाई क्या होगा, इसका मामा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोनू इलियाना का मामा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या दूसरा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, आप देख लीजिएगा, हिंदी में दिया पी क्यू का पिता है, जो पी है ना ये पिता है, किसका पिता है, क्यू का, तो पिता के लिए हमने मेल बना लिया, क्यू का पिता है, क्यू का जेंडर अभी नहीं पता है। देखिए फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ किया जाता है इसके लिए मैंने क्लास एक में डिस्कस कर रखा है ना, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आर का नाना है, मतलब जो पी है ना ये आर का नाना है, मतलब आर नीचे कहीं आएगा, अब आर इसका लड़का है कि नहीं है हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन रखते हैं, मतलब आर नीचे आएगा, बीच की कहानी हमको नहीं पता है। ठीक, देखिए जो एस का भाई है, जो आर है ना ये भाई है, किसका भाई है, एस का भाई है, एस का जेंडर नहीं पता है, है ना, एस की माँ टी, देखिए अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि एस की माँ टी है, मतलब एस 100% इसकी इसका मतलब जो लड़का या लड़की नहीं होगी, है ना, जिसकी शादी भी से हुई है, तो यहाँ पे देखिए एस की माँ कौन है, टी है ना, टी हो जाएगी, अब टी हो जाएगी और टी की शादी किससे हुई है, भी से हुई है, भी मेल हो जाएगा। अब देखिए सीधी सी बात है, ये क्यू की बहन होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, टी क्यू की बहन है, यहाँ पे लिखा भी है कि टी क्यू की बहन है, अब बाकी अभी क्यू का जेंडर नहीं क्लियर है। वी पी से किस प्रकार संबंधित है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए वी ये रहा और पी ये रहा। ठीक, आप ध्यान से देखिए, ये पी है, पी की लड़की है, है ना, इस लड़की की शादी भी से हुई है ना, तो इसके बेटी की शादी हुई, मतलब ये वी इसका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा या फिर ब्रदर इन लॉ, सॉरी सन इन लॉ, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो वी पी के लिए सन इन लॉ होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट दिया है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पजल वर्जन का क्वेश्चन इसलिए बड़ा है। देखिए आठ लोगों का के एक परिवार में दो जोड़े हैं, मतलब आठ लोगों का एक परिवार है, दो जोड़े हैं, दो जोड़े हैं मतलब दो लोगों की शादी हुई है, जिनमें से प्रत्येक के दो दो बच्चे, अब जो जिन लोगों की शादी हुई ना उनके भी दो दो बच्चे हैं, बी डी का भाई है, देखिए जो बी है ये डी का भाई है, तो बी भाई है, बी का जेंडर क्लियर है कि ये मेल हो जाएगा, लेकिन डी के बारे में अभी नहीं पता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तथा प्रत्येक के दो दो बच्चे, देखिए बी के भी दो बच्चे होंगे और
डी के भी दो बच्चे होंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ पे चार लोग हो गए है ना, अब दो लोगों की शादी हुई मतलब इसकी भी शादी हुई, अब ये मेल है तो यहाँ पे जो आएगी फीमेल होगी है ना, अभी इसका जेंडर नहीं क्लियर है तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कौन आएगा। देखिए ई ए की आंटी है जो सी का चचेरा भाई, देखिए अब यहाँ पे रिलेशन नहीं मिल रहा तो आगे लिख लेते, देखिए ई ए की आंटी है मतलब जो ई है ना ये आंटी है और आंटी किसकी है, ए की आंटी है जो सी का चचेरा भाई, अब यहाँ पे दो ही जोड़े मतलब सी इसका लड़का हो जाएगा, लड़का या लड़की नहीं पता है। ठीक है तो यहाँ पे ए चचेरा भाई ये क्लियर हो चुका है, अभी ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है। देखिए सी एच की बहन है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सी जो है ना एच की बहन है तो ये बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी, एच की बहन हो जाएगी इस, अब यहाँ पे एच का जेंडर अभी नहीं पता है ना तो एच के जेंडर को नहीं सेट करते। आगे है देखिए जो जी का चचेरा भाई, देखिए यहाँ पे जो एच है ना जी का चचेरा भाई मतलब एच मेल हो जाएगा और ये जी क्या हो जाएगा, जी इसका भाई, मतलब यहाँ भाई या बहन अभी नहीं पता है। ठीक देखिए एफ बी की पत्नी, जो एफ है ना वो बी की पत्नी, मतलब देखिए एफ को आप यहाँ पर रख लेंगे, जैसे आप एफ को यहाँ पर रखेंगे तो ये ई देखिए ई यहाँ पर आ जाएगी और ई फीमेल है तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब ई की संतान कौन है, एच, एच क्या है लड़का है और सी क्या है लड़की है, तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया। अब ए यहाँ पे लड़का फिक्स है लेकिन जी का जेंडर हमको नहीं पता है। आगे लाइन देखते, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अब पूछ लिया, देखिए इसका कोई रोल नहीं तो इसको अभी यहाँ पे क्रॉस करते है ना, एच एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो एच की बात करेंगे, एच ये है ना, एफ कहाँ है, एफ ये है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए डी है ना, डी का लड़का है एफ एच है ना, और ये बीस का भाई है, मतलब ये बीस के लिए चाचा हो जाएगा और चाचा की पत्नी चाची हो जाएगी है ना, ये अगर चाची है तो ये क्या हो जाएगा, इसका भतीजा हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेफ्यू, ऑप्शन नंबर ए है ना। ये देखिए थोड़ा सा पजल वर्जन का क्वेश्चन था लेकिन काफी आसान था, आप आराम से टैकल कर लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर, अगले स्लाइड पर क्या डेटा दिया, देखिए आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, देखिए आकांक्षा नाम की एक लड़की है, ठीक है आकांक्षा है लड़की है, इसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा उसकी बेटी के पिता की पत्नी, देखिए समझिएगा जो समझिए बोल क्या रहा है, राजीव बोल रहा है आकांक्षा की बेटी, ठीक है आकांक्षा की बेटी आएगी है ना, बेटी हो गई के पिता मतलब यहाँ पे पिता हो जाएगा है ना, पिता की पत्नी मतलब खुद बात किया जा रहा है आकांक्षा के लिए, ठीक है मतलब यहाँ पे बात हो रहा है आकांक्षा के लिए। ठीक आगे क्या होगा कि पत्नी की माँ मतलब ये आकांक्षा की माँ है ना, मेरी पत्नी की बेटी की माँ, देखिए मेरी पत्नी अब यहाँ पे समझिए राजीव है ना, राजीव की पत्नी होगी है ना, इसकी बेटी होगी, अब बेटी की माँ मतलब राजीव अपने पत्नी के लिए बोल रहा है, ठीक जो बात बोल रहा है राजीव बोल रहा है अपनी पत्नी के लिए है ना, मेरी मतलब यहाँ पे माँ की सास है, देखिए राजीव के माँ की सास होगी, तो देखो यहाँ पे अब एक चीज समझिएगा है ना, ये मतलब ये देखिए ये इसकी माँ है ना, और यहाँ पे आगे बात बोला जा रहा है कि जो राजीव की पत्नी है ये महिला उसके लिए सास का काम करेगी, ठीक तो यहाँ पे 100% राजीव की माँ होगी, तो राजीव इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ये राजीव रहा और यहाँ पे राजीव की पत्नी रही। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि राजीव आकांक्षा से किस प्रकार संबंधित है, तो राजीव इसका भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा घुमाया हुआ था तो चलिए एक बार इसको फिर से हम समझा देते हैं कैसे इसमें बनेगा, देखिए चीजों को देखिएगा किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे कि चीजें बड़े आराम से मिल जाएंगी है ना, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये रुकिए चलिए अब बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आकांक्षा नाम की लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए राजीव ने कहा, देखिए आकांक्षा नाम की लड़की है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा समझिए राजीव ने क्या बोला, राजीव ने बोला उसकी बेटी मतलब आकांक्षा की बेटी हो जाएगी, ठीक के पिता मतलब आकांक्षा की बेटी है और बेटी के पिता हो गए, ठीक की पत्नी मतलब आकांक्षा के लिए ही बोला जा रहा है, ठीक है की माँ है ना, अब आकांक्षा की माँ हो गई है ना, अब राजीव बोल रहा है कि देखिए मेरी पत्नी की बेटी, देखिए राजीव है राजीव की पत्नी होगी है ना, की बेटी हो जाएगी है ना, इसकी बेटी हो जाएगी है ना, की माँ, अब देखिए बेटी की माँ मतलब वापस से राजीव की पत्नी ही आ जाएगी, की सास है मतलब ये जो महिला है ना ये राजीव की पत्नी की सास है, ठीक अब राजीव की पत्नी की सास है इसका मतलब कि ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे, तो यहाँ से ब्रदर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर, अगले स्लाइड पर क्वेश्चन है, देखिए माला और लाली बहनें, ठीक देखिए ये माला हो गई और माला के बाद इसकी बहन लाली हो गई, ठीक महेश देव का पिता है, इंफॉर्मेशन नहीं पता है ना, तो यहाँ पे आगे सेट कर लेते हैं, जो महेश है ना महेश
ये पिता है किसका? देव का। ठीक, पिता है देव का। आगे बोला जा रहा है कि माला, देखिए गार्गी माला और देव की माँ है। देखिए जो गार्गी है ना, गार्गी ये माला की माँ है, तो गार्गी को यहाँ पे सेट कर लेते हैं, और गार्गी देव की भी माँ है, तो देखिए देव सीधी सी बात है इसका भाई हो जाएगा। ठीक, अभी जेंडर नहीं पता तो यहाँ पे नहीं क्लियर करते हैं ना, लेकिन देखिए देव का पिता कौन है? महेश है, तो यहाँ पे महेश इसका हस्बैंड हो जाएगा, महेश इसका हस्बैंड हो जाएगा। अब आगे का इन्फॉर्मेशन क्या है, महेश के पिता का लाली से क्या संबंध है? देखिए महेश का पिता ये रहा है ना, अभी तीनों आपस में भाई बहन है, तो लाली के लिए क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। तो महेश के पिता का लाली से क्या संबंध है? तो लाली का पिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पर प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या जिक्र किया गया है, किसी परिवार में बी के का पिता है, जो बी है, ठीक है, बी ये पिता है किसका? के का। ठीक, अब के जेंडर के बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है, तो जब के का जेंडर नहीं पता है तो के जेंडर को हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए बी की केवल दो बच्चे, मतलब बी का ना केवल दो बच्चे। अब देखिए एक ये हो गया, एक और कोई होगा, है ना। देखिए के आर का भाई है, जो के हो जाएगा भाई हो जाएगा, आर का जेंडर अभी नहीं पता है। आर पी की बेटी, देखिए जो आर है बेटी है, किसकी बेटी है? पी की, मतलब पी हो जाएगी बी की पत्नी। ठीक, आगे क्या है, ए पी की पोती, जो ए है ना ए बी की पोती है, मतलब ए कहीं नीचे आएगी, किसके मतलब यहाँ पे नहीं पता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि एस ए का पिता है, देखिए यहाँ पे खाली इसके दो ही बच्चे थे, अब के एक मेल है, मतलब यहाँ पे एक मेल, यहाँ पर आएगा यस और यहाँ पर आएगा ए। ठीक, अब ए देखिए ए क्या है, ए पोती है, मतलब ये लड़की हो जाएगी। तब यहाँ पे पूछा जा रहा है एस का के से क्या संबंध है, देखिए ये एस रहा और ये के रहा। ठीक, देखिए के बहन का पति है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बहनों ही हो जाएगा, जीजा हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक, चलिए मतलब एस का के से रिलेशन पूछा, तो अब यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखेंगे तो एक ही चीज आएगा, ब्रदर इन लॉ ही बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर प्रश्न स्लाइड नंबर 9, यहाँ पे क्वेश्चन है अमित सोनिया का भाई है, है ना, तो चलिए देख लेते। देखिए यहाँ पे अमित के बारे में बोला जा रहा है कि अमित जो है ये सोनिया का भाई है, तो देखिए अमित भाई है सोनिया का, सोनिया का जेंडर अभी नहीं पता है ना। ज्योति निकिता की बहन है, अब देखिए यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन अलग है, देखिए ज्योति बहन है निकिता की, है ना। आगे क्या है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी, देखिए सोनिया जो है ना, सोनिया यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, है ना, सोनिया जो है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी, मतलब देखिए यहाँ पे सतीश आएगा, ठीक, सतीश का पिता होगा कोई, है ना, और उसकी बेटी है सोनिया। चलिए ये इन्फॉर्मेशन सेट कर दिया गया। आगे क्या बोला जाता है, निकिता कविंदर की बेटी, जो निकिता है, निकिता किसकी बेटी है? कविंदर की बेटी है, है ना, तो ये निकिता बेटी हो गई, किसकी बेटी हो गई? कविंदर की। चलिए मैंने कवि लिख लिया। आगे क्या है, देखिए ज्योति अमित की माँ है, अब जो ज्योति है ना, ज्योति यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्योति, ठीक है ये ज्योति है, ठीक है जे वाई लिख लेते हैं, ज्योति अमित की माँ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो यहाँ पे ज्योति क्या हो जाएगी? देखिए ज्योति यहाँ पर आ गई, जे वाई, है ना, ज्योति किसकी माँ हो गई? अमित की माँ हो गई, है ना। अब ज्योति अमित की माँ हो गई, देखिए यहाँ पे ज्योति आपने लिख लिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगी कौन? देखिए निकिता, है ना, और ऊपर हो जाएगा कविंदर, इतना सेट हो चुका है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए मुकेश निकिता की एकमात्र बहन का पति, देखिए मुकेश जो है, देखिए निकिता की एकमात्र बहन, तो निकिता की एकमात्र बहन ये हो जाएगा, है ना, देखिए ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मुकेश, है ना, मुकेश इसका एकमात्र पति है। आगे बोला जा रहा है सतीश कविंदर से किस प्रकार संबंधित, देखिए यहाँ पे इतना रिलेशन देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जो सतीश है ना, देखिए सतीश यहाँ पर आ गया, है ना, कविंदर से किस प्रकार संबंधित है, तो क्योंकि अगर सतीश और कविंदर के बीच में देखेंगे तो एक, मतलब यहाँ पे पीढ़ी का, ये एक पीढ़ी और दो पीढ़ी का गैप है, तो यहाँ पे ग्रैंड का रिलेशन होगा। तो देखिए सतीश क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ के अभी यहाँ पे जेंडर नहीं क्लियर है, अगर इसमें आप सही हिसाब से देखेंगे तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि इसका जेंडर ही नहीं पता है ना, ये पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे ग्रैंडसन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर नन ऑफ दीज होता तो हम लोग नन ऑफ दीज के साथ जाते, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, हम क्लियर नहीं कर पाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए स्लाइड नंबर 10 यहाँ पे दिया है, पी क्यू का पिता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पी है ये फादर है, किसका फादर है? क्यू का। ठीक,
और आर एस का बेटा है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आर है ना ये एस का बेटा है। अब एस का जेंडर नहीं पता, ये मेल है कि फीमेल है। आगे देखिए, टी पी का भाई है, जो टी है ना टी, यहाँ पे टी जो है पी का भाई है। चलिए इसको भी सेट कर लेते। आगे क्या बोला जा रहा है, क्यू आर की बहन है, जो क्यू है ना ये आर की बहन है। तो देखिए यहाँ पे क्यू बहन हो जाएगी आर की, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे आर आ चुका है तो एस भी कहीं सेट होगा। आगे क्या बोला जा रहा है, एस टी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन हमने मिस किया है, पी क्यू का पिता है, ठीक है, पी क्यू का पिता। अच्छा देखिए यहाँ पे पी जब पिता है क्यू का, ये दोनों आपस में भाई है, तो यस यहाँ पर आएगी, है ना, यस हो जाएगी फीमेल, है ना, ये हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि एस टी से किस प्रकार संबंधित, तो देखिए एस क्या हो जाएगी, फीमेल है, टी के लिए तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, मतलब सिस्टर इन लॉ ऑप्शन नंबर सी, ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, दो युग्मों वाले एक परिवार जिसमें आठ सदस्य हैं, उसमें पी क्यू का बेटा है और आर का भाई। देखिए यहाँ पे आठ मेंबर्स होंगे, दो युग्मों मतलब दो लोगों की शादी हुई है ना। देखिए पी क्यू का बेटा, जो पी है ना ये बेटा है क्यू का, और क्यू का जेंडर अभी नहीं पता है, ठीक, और आर का भाई भी है, तो यहाँ पे पी आर का भाई भी है। चलिए इतना क्लियर हो गया। एस एम की बेटी है ना, जिसकी शादी आर से हुई। देखिए एस जो है ना एम की बेटी है और एम की शादी आर से हुई है, तो यहाँ पे एम को लिख लेते हैं, एम का जेंडर नहीं पता, इनकी लड़की है एस। आगे बढ़ते हैं, देखिए टी एस की आंटी है, जो टी है ना एस की आंटी है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है। देखिए ये दोनों आपस में भाई बहन कुछ भी होंगे, अब यहाँ पे टी को यहीं पर आना पड़ेगा तभी इसकी आंटी होगी, हो गई, है ना। आगे क्या होने वाला है, और वी की माँ है, जो टी है ना ये वी की माँ है, तो ये वी यहाँ पर आ गया। आर का भतीजा डब्लू, देखिए आर का भतीजा कौन है, डब्लू, तो यहाँ पे डब्लू को रख लेते हैं, ये आर का भतीजा है ना। डब्लू पी का बेटा, ऐसे भी पी का बेटा बनेगा, है ना, तथा उसे एक बहन भी है, तो इसकी ये जो वी है ना, वी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, वी एम से किस प्रकार संबंधित। देखिए एम का जेंडर आपको नहीं मिला, कोई फर्क नहीं है। देखिए वी क्या होगी, चाहे ये भाई हो चाहे बहन हो, है ना, अगर ये भाई होगा तो ये महिला इसके लिए, मतलब ये महिला बनेगी तो चाची का काम करेगी, और अगर ये बहन होगी तो ये फूफा का काम करेगा, लेकिन वी हमेशा क्या होगी, ये भतीजी रहेगी, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नीस मतलब भतीजी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 12। देखिए यहाँ पे क्या दिया, इन देखिए ये इंग्लिश वर्जन है, आप देख लेना, हिंदी वर्जन लेके, आठ लोगों के एक परिवार में दो जोड़े, मतलब दो जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के दो दो बच्चे हैं, ठीक है, दो जोड़े हैं प्रत्येक के दो दो बच्चे, मतलब ये परिस्थिति बनेगी, ठीक है, मेल फीमेल, है ना, यहाँ पे इनके दो बच्चे, है ना, इसके बाद मेल फीमेल, इनके दो बच्चे, ठीक, ये मतलब भाई बहन आपस में हो सकते हैं, ये हो सकता है ये पेयर उठ करके इस तरफ आ जाए, और मतलब ये डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं और बहन बहन भी जुड़ सकती है। पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए सी और डी चचेरे भाई है, मतलब अगर सी इधर आएगा तो डी को इधर आना पड़ेगा। चलिए ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, देखिए जो ई है, मान लेते हम ई को यहाँ पर रखते हैं, है ना, ई के पिता का विवाह किससे हुआ है, जी से हुआ है। चलिए ये पॉसिबिलिटी सेट हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, जो एफ की आंटी है, देखिए एफ की आंटी है, मतलब ये देखिए एफ यहाँ पर नहीं आएगा तो एफ को यहाँ रख लेते हैं, एफ की आंटी है। एफ की माँ एच, देखिए एफ की माँ कौन है, एच, है ना, इसका विवाह बी से हुआ है, ठीक, ये भी सेट हो गया, बी से विवाहित है। जो ए का भाई है, देखिए बी क्या है, ए का भाई है, चलिए ठीक है कि ये सेट हो चुका है ना, ये ए का भाई है। अब देखिए सी एच का भतीजा, जो सी है ना सी एच का भतीजा है, तो सी यहाँ पर आएगा, ठीक है, एच का भतीजा हो गया। अब पहला लाइन क्या था कि सी और डी चचेरे भाई है, इसका मतलब डी यहाँ पर आएगा, ठीक, और ये चचेरे भाई थे तो डी भी भाई हो जाएगा। अब आगे है ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे ये इसका लड़का है और ये इसका चाचा हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, इसका चाचा है, ऑप्शन नंबर ए अंकल, है ना। तो देखिए ये ब्लड रिलेशन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस रहे जो हम